तो फिर लतीफ गांव के जय माता स्वर्ण सहायता समूह की बैठक में मस्तिष्क ज्वर पर चर्चा। दीदी सब दुर्गा दीदी के बउआ के बहुत तबियत खराब है, बहुत सीरियस है। उनका बउआ के की हो छन दीदी? दीदी सब उनका बउआ के बहुत बुखार है, बहुत चमकी बैठी, बहुत सीरियस है, करेजा में तड़क न मिले। महीना अबैत में बउआ सबके तबियत बहुत ज्यादा खराब हो जाये दीदी। दीदी सब महीना रौद हो के कारण धिया पुता सब खाई छे लीची फूटल भांगल, वैसे ज्यादा तबियत खराब। जय माता स्वयं सहायता समूह की बैठक में जीविका सहेली द्वारा चर्चा। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। अहाँ सब बहुत उदास लगे छे, कोई चिंता के बात छे कि? नहीं दीदी, यहाँ तो जीविका सहेली में है हती दुर्गा दीदी के बउआ के ज्यादा बहुत तबियत खराब। मुन्नी दीदी दुर्गा दीदी के बउआ के बड़ा बुखार लागल है आ उल्टियो होइ छै आ चमकियो होइ छै। टूटी काटे से कोई फर्क न पड़े छै, एकदम बेहोश। दीदी चलू न देखै छी बउआ के की सब होइ छै। अही बउआ के तबियत खराब छै दीदी? हाँ यही बउआ के दीदी तबियत खराब। की होइ छै बउआ के दीदी? बुखार लगै छै आ चमकी आबै छै, उल्टी होइ छै, चुट्टी कटला पर कोई सुख भूखी नहि बुझै छै, मुँह से फेन भी अबै छै, झाग भी अबै छै। दीदी लगै छै लक्षण से बउआ के दिमागी बुखार है, ओकरा जल्दी अस्पताल अहाँ ले जइयौ। अच्छा दीदी हमरा अभी अस्पताल जाएगी तो बउआ के लेके? हाँ दीदी एहिमे देरी ना करियौ, एकरा जते जल्दी होत तो ओते जल्दी अस्पताल लेके अहाँ जइयौ। ठीक है दीदी, हम अभी बउआ के अस्पताल ले लेंगे। मस्तिष्क ज्वर के संदर्भ में डॉक्टर का संदेश। यस क्या है? यस एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, यानी कि हिंदी में उसको हम लोग कहते हैं मस्तिष्क ज्वार। ये क्या होता है, इसमें जो है हाई फीवर होने के कारण जो है मस्तिष्क का जो लेयर होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन हो जाता है इससे कारण की तरह तरह के सिम्टम आने लगता है। मस्तिष्क ज्वार के लक्षण। यस के मरीज यानी कि मस्तिष्क ज्वार के मरीज के प्रमुख लक्षण, उसको तेज गति से फीवर होगा, श्वास तेज गति से चलेगा, उसको चमकी भी आ सकता है या किसी खास अंग में ऐठन भी हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है या बेहोश भी हो सकता है। बेहोश होने पर चुट्टी काटने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, समझ लेंगे कि हम लोग ये ईएस के मरीज के प्रमुख लक्षण है। अचानक पूरे शरीर या शरीर के किसी खास अंग में ऐठन, मुंह से झाग आना, दांत पर दांत बैठना, अचानक सुस्ती, बेहोशी, चींटी काटने पर शरीर में कोई हरकत नहीं होना, अचानक तेज बुखार, उल्टी या तेज सांस लेना, मस्तिष्क से ज्वर होने पर क्या करें? मस्तिष्क ज्वार होगा तो क्या करना है? कोई मरीज हमको कम्युनिटी में या समुदाय में जब मरीज मस्तिष्क ज्वार का मिलेगा ये सब लक्षण के साथ, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले क्या करना है, हवादार और छायादार जगह पर ले जाना है। ठीक है, इसके बाद उसको आराम से कपड़े को खोल देना है और उसको कोल्ड स्पॉन्जिंग करना है, यानी कि ठंडे पानी से उसके पूरे शरीर को पोछना है। ठीक है, इसके बाद जब बच्चा होश में आ जाए तो उसको पैरासीटामोल का जो सिरप होता है वो देना है और इसके बाद ORS का घोल पिलाना है। अगर ORS का घोल नहीं हो तो चीनी, नमक और नींबू का घोल बनाकर देना है। ठीक है, इसको जो है तुरंत एम्बुलेंस 102 पर डायल करना है और उसको नजदीक के अस्पताल केंद्र पर भेज देना है। छायादार एवं हवादार जगह पर बच्चे को रखें, शरीर के कपड़े को खोल दें, पूरे शरीर को ठंडे पानी में भिगोएं, कपड़े से पोछें, एक कप पानी में 2-3 चम्मच चीनी और एक चुटकी नमक का घोल पिलाएं, बच्चे को नज़दीकी अस्पताल लेकर जाएं।
मस्तिष्क ज्वर होने पर क्या नहीं करें? मस्तिष्क ज्वर का जब मरीज मिले तो आपको क्या नहीं करना है, उसको ओझा गोली और झाड़ फूक में समय नहीं व्यतीत करना है, क्योंकि यह जो मरीज होता है मस्तिष्क ज्वर का, इसको बहुत कम समय रहता है बचाने के लिए, इसलिए उसको समय नष्ट नहीं करना है। ठीक, इस पीड़ित बच्चे को कभी भी चादर या कंबल या उसको कपड़ा से नहीं ढके रखना, उसको हटा देना है कपड़ा को। क्या हटा देना है? क्योंकि उसका टेम्परेचर लो होगा, टेम्परेचर लो होगा, फीवर डाउन होगा, तो उसको अदर जो सिम्टम लक्षण है मस्तिष्क ज्वर का वो सब धीरे धीरे डाउन होगा। नाक को कभी बंद नहीं करना है। मरीज को ओझा गुनी झाड़ फूंक वाले एवं झोला छाप डॉक्टर के पास न ले जाएं। मरीज को कपड़े कंबल या चादर से न लपेटे। बच्चे के नाक कभी बंद न करे। बेहोशी चमकी के अवस्था में मुंह में कुछ न दे। मस्तिष्क ज्वर से बचाव एवं सावधानियां। जब ये सिम्टम ही नहीं आवे, मस्तिष्क ज्वर का नहीं माने बीमारी पैदा हो, इसके लिए पहले ही से हम लोग को समाज में या समुदाय में क्या बचाव के उपाय हो उसके बारे में बताना बहुत जरूरी है, क्या सावधानी रखना है। फल जो है भोजन का विकल्प नहीं है, भोजन को भरपूर मात्रा में रात में भोजन खिलाना चाहिए। रात में अगर भोजन न उपलब्ध हो तो ORS का घोल या चीनी नमक का घोल पिला के जरूर बच्चे को सुलावे, खाली पेट नहीं सुलाना है। अक्सर ये पाया गया है कि जो भी मस्तिष्क ज्वर का मरीज मिला है उसमें ग्लूकोज का लेवल लो हो जाता है, तो ग्लूकोज का लेवल लो नहीं हो इसके लिए रात में जो है हर एक बच्चे को उठाकर एक बार जरूर खाना खिला दें। बच्चे को धूप में नहीं जाने दें, अगर जाए तो उसे पूरा कपड़ा पहना कर जाने दें, और जाने से पहले उसे ORS का घोल जरूर पिला दें। ORS का घोल अगर नहीं मिले तो चीनी और नमक और नींबू का घोल जरूर पिला दें। शौचालय का प्रयोग करें, शौचालय के आने के बाद जो है हाथ से अच्छे तरीके से जो 6 स्टेप है उसे साबुन से हाथ धोए, पहले इस प्रकार धोए, इसके बाद इस प्रकार धोए, उसके बाद इस प्रकार धोए, इस प्रकार धोए, इस प्रकार धोए, इसे इस प्रकार धोए, इस प्रकार धोए, और धो के इसके बाद अच्छे तरीके से खाना का प्रयोग करें। बच्चे को कभी भी झूठे फल या गिरे हुए फल को न खाए और न खाने दें। हमेशा शुद्ध जल का प्रयोग करें, हमेशा पानी को उबाल करके अच्छी तरीके से ठंडा करके उसको रख दें और पानी में कभी उंगली का प्रयोग न करें। आसपास सभी जगह जो है सफाई का प्रयोग करें, साफ रखें, जल जमाव नहीं होने दें। अगर कहीं जल जमाव है तो वहां पर क्रियाशील तेल का प्रयोग करें जिससे कि कोई कीटाणु या मच्छर पनप नहीं पावे। बच्चे का संपूर्ण टीकाकरण करवाएं। मस्तिष्क ज्वर का जो मरीज है जो बेहोश हो उसको उस समय कुछ मुंह में नहीं देना है, अगर बेहोशी हालत में देना है देंगे तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी जा सकता है जिससे और ज़्यादा भयानक स्थिति हो सकती है, इसलिए बेहोशी हालत में कुछ नहीं देना, होश आने पर ही देना है। बच्चे को जो है सो इस प्रकार का करवट लेटाना है जिससे कि उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो, यानी कि उसको गर्दन सीधी रहे, इस प्रकार लेटाना है। बच्चे को सोने से पहले भर पेट भोजन दे। रात को ORS या 2-3 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक का घोल अवश्य पिलाएं। धूप से बच्चे को बचाएं। शौचालय का प्रयोग के बाद हाथों की सफाई साबुन से करें। बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण अत्यावश्यक है।